हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। होप ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर विद दी पेज नंबर 2 एंड स्टरडे वी वर रीडिंग अबाउट पेज नंबर 1। टुडे वी विल रीड टू दी पेज नंबर 2। सो ऑल ऑफ यू लेट्स टेक आउट योर बुक ऑफ इंग्लिश बुक ऑफ प्रैक्टिस बुक। ओके, वी ऑल आर डूइंग एक्सरसाइजेस वेयर इन प्रैक्टिस बुक। Okay, and students, first of all, you can see now there is given three sentences are, you have given the words H-I-J like. So these all are also from your exercise first. So if you haven't done this one, so you have to also do this in alphabetical order. How will you complete to this? You all have to write down these words in alphabetical order. Okay, you all will complete to this one. Now today we will move to the next exercise, and that is about you. My turn to find the meaning of these words in a dictionary and write them here. क्या करना है हमें? Find the meaning means you have some words here, and then we will try to find the meaning of these words from a dictionary, and then we will write their meaning with these words. One word can have many meaning in the dictionary. और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपका जो एक वर्ड होता है बहुत सारे मीनिंग जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है। दैट्स वाई यू हैव टू चूज़ ओनली वन मीनिंग, एनी वन मीनिंग फॉर दिस वर्ड्स, एंड देन यू हैव टू राइट। सो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द फर्स्ट वन मेंटेन, इट हैज़ डन ऑलरेडी। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी आई हैव रिटन द हिंदी मीनिंग ऑल्सो ऑफ दिस। मेंटेन मीन्स क्या होता है? बनाए रखना। ओके, सो व्हाट विल द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस? टू कीप इन एन एग्जिटिंग स्टेट मीन्स किसी भी चीज़ को मैनेज करके रखना, मेंटेन करके रखना, एज ऑफ रिपेयर एंड इफिशियंसी। ओके, नाउ देयर इज टू मीनिंग ऑफ मेंटेन। सो विच इज़ ईजी फॉर यू ऑल टू लर्न, यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट यू हैव हेरिटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज? जिसको विरासत कहते हैं, उसकी मीनिंग आपकी क्या होती है? प्रॉपर्टी, दैट इज़ आर सेकेंड मीनिंग। मे बी इनहेरिटेड मीन्स जो हमें इनहेरिटेड से मिली होती है, अपने क्या होती है, अपने पेरेंट्स लोगों से जो मिली होती है आपकी हेरिटेज, विरासत, उसको कहते हैं हम हेरिटेज। नेक्स्ट आपका है जर्नी। जर्नी मीन्स ट्रैवलिंग, यात्रा। एंड व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस जर्नी? एंड एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, क्या करते हैं हम जर्नी में? वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस पे क्या करते हैं? अनदर प्लेस पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है रिफ्रेशमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट मीन्स ड्यूरिंग इवनिंग एट 5 o'clock मीन्स 5 PM और 4 PM समटाइम वी जस्ट फील टू हैव समथिंग वेरी लाइट मील, सो दैट इज़ कॉल्ड योर रिफ्रेशमेंट। ठीक है, एंड देयर बी ऑल्सो मीनिंग ऑफ दिस अ लाइट स्नैक आर ड्रिंक। समटाइम वी आर हैविंग टी ऑल्सो, तो आपका क्या होगा? वो रिफ्रेशमेंट में आएगा। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जलपान। नेक्स्ट आपका है रूट। मार्क मीन्स रूट, वे, रास्ता, जिसको आप कह सकते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विल बी सेंड आर डायरेक्ट अलॉन्ग अ स्पेसिफाइड कोर्स। नेक्स्ट रिजर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन? द एक्शन ऑफ रिजर्विंग समथिंग मीन्स किसी भी चीज़ को अपने पास रिजर्व करके रख लेना। ठीक है, वो आपका रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट आपका है बर्थ। ओके, वेन एवर वी ट्रैवल टू एनी प्लेस, सो वी ऑल यूज टू गेट द बर्थ। ठीक है ना, वही बर्थ आपका है। अ फिक्स्ड बंक ऑफ ट्रेन, बंक ऑफ द ट्रेन, शिप, ओके, और एरोप्लेन। यू कैन कॉल इट अबाउट एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स को और टाइप्स को आप एज अ बर्थ यू कैन यूज़। नेक्स्ट यू हैव सीनरी। एवरी वन नोज अबाउट द सीनरी, ये। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीनरी? द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ लैंडस्केप। लैंडस्केप के फीचर्स को मीन्स उसकी जो फिगर होती है, उसकी बनावट होती है, नेचुरल फीचर्स, उसको क्या कहते हैं हम? सीनरी। नेक्स्ट यू हैव ट्यूनल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्यूनल? डिस्टेंस आप लोगों ने देखा होगा ट्यूनल, जिसको बोलते हैं सुरंग। ठीक है ना, जैसे आपके माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, जैसे आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, सो यू आर हैविंग सम माउंटेन्स। ओके, सो यू विल सी समटाइम्स यू आर जस्ट गोइंग टू इन अ ट्यूनल, सुरंग होता है आपका। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्यूनल? एन आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज
मीन्स जो भी चीज़ें आपकी अंडरग्राउंड में होती हैं उसको हम ट्यूनल एज अ ट्यूनल के नेम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यू हैव पैसेंजर। एवरीवन नोज अबाउट द पैसेंजर, मीन्स पैसेंजर अ पर्सन आर अ ट्रैवलर ऑन अ प्राइवेट कन्वेयंस। ओके, ट्रैवलर जो है ट्रैवलिंग करते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, अ पर्सन हु मूव्स टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑल्सो यू कैन से दैट इज़ कॉल्ड योर पैसेंजर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू हैव अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड इन दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स टूडे वी हैव द पॉइंट पंक्चुएशन। ओके, नाउ वी विल नाउ डिस्कस टू दिस टूडे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट द नेक्स्ट डे, एंड टूडे यू हैव द एक्सरसाइज अबाउट द, लेट्स ट्राई टू, यू ऑल हैव टू डू दिस इन योर बुक बाई यूजिंग द पेंसिल, एंड देन यू विल have to learn the meaning of these words well. Okay students, hope you all have understood this. Okay, now start to do this one. Thank you, have a nice day.